इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जिसका इंतजार केजरीवाल और उनकी टीम कर रही थी, वो जवाब आ चुका है। कांग्रेस ने केजरीवाल को जवाब भेज दिया है। 18 मुद्दे थे केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसका जवाब कांग्रेस ने भेज दिया है। तो केजरीवाल को कांग्रेस का जवाब मिल चुका है जिसमें 16 मुद्दों पर सहमति की जरूरत नहीं है, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही ये बताया गया कि 2 मुद्दे केंद्र के अधीन हैं, इसलिए उस पर केंद्र ही विचार करेगा। तो 16 मुद्दों पर सहमति की जरूरत नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। 18 मुद्दे केजरीवाल की तरफ से दिए गए थे जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से अब जो जवाब आया है उसमें कहा गया है कि 2 मुद्दे दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं और बाकी 16 मुद्दों के लिए राय लेने की जरूरत एक तरह से नहीं है, ये कहा है। शकील अहमद ने ये जवाब भेजा है। हम आपको बता दें कि जब उपराज्यपाल से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 18 मुद्दे मेरे हैं, उस पर मैं स्टैंड, साफ क्लियर स्टैंड चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस का। हमारे संवाददाता कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, जानना चाहेंगे और क्या कुछ खबर आ रही है इस मामले पर? देखिए, जहां तक जो दिल्ली का मामला है उस पर मोटा मोटी बस खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने बोला है कि हम आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हमने कभी नहीं बोला था कि आपको हमने ऐसा समर्थन दिया है जिसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं हो। और ये जो लेटर गया है केजरीवाल जी को, जेपी अग्रवाल और शकील अहमद ने साइन करके दिया है, उसमें बोला है कि जो आपकी 18 मांगे हैं, 16 तो ऐसी मांगे हैं जो विधानसभा के अंतर्गत आती नहीं है, केवल 2 मांगों पर समर्थन करेंगे। एक जिसमें सेपरेट स्टेटहुड का मामला है और दूसरा एक सिविक एमिनिटीज का मामला है। बाकी 16 मांगों पर कांग्रेस का समर्थन हो ही नहीं सकता है और हमने आपको केवल बाहर से समर्थन देने की बात की है। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, शकील अहमद ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुन लेते हैं। 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रशासनिक काम है और प्रशासनिक काम जब सरकार एक बार बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बार बार असेंबली या पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं होती है। शायद थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी के वजह से उस तरह की बात उठाई गई थी। 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर के हैं। एक के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो तो हमारे भी मैनिफेस्टो में है और हमने कहा है कि आप केंद्र सरकार से उस संबंध में जब प्रश्न उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। दूसरा एक मुद्दा है लोकपाल का, हमने कहा है दिल्ली में एक मजबूत लोक आयुक्त है और इस हफ्ते लोकपाल के बिल के भी संसद से पास होने की उम्मीद है। अगर आप दिल्ली के लोक आयुक्त के इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं और वो कोई नियम के विपरीत नहीं होगा, पार्लियामेंट के पास किए हुए किसी कानून के विपरीत नहीं होगा, तो हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। 2 मुद्दों पे हमने उनको सहयोग की बात कही है और जो बाकी 16 मुद्दे हैं उसमें हमारे सहयोग की उनको कोई आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। एक बार सरकार को जब बहुमत मिल गया तो सरकार प्रशासनिक कार्य करने के लिए सक्षम है, सरकार प्रशासनिक काम करती है, उसके लिए असेंबली और पार्लियामेंट आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संवाददाता कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कार्तिकेय, यहाँ पर समझना चाहेंगे, 16 मुद्दों के बारे में कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक काम है, इसमें सहमति की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी भी तरह से अगर बाहर से कांग्रेस समर्थन देती है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो किसी भी तरह से अड़चन पैदा नहीं कर सकती क्या कांग्रेस? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा इस पे। देखिए, प्रशासनिक जो बात बोली है, जैसे बिजली की कीमतें 50% कम करनी है, अब बिजली की कीमत अगर 50% कम करनी है तो उसके लिए विधानसभा या संसद जाने की जरूरत नहीं है, यानी वो फैसला अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको बिजली की कंपनियों के साथ लेना पड़ेगा, यानी कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस का कहना है कि उसे कम करने के लिए हमारी समर्थन की बात कहाँ आती, क्योंकि उसका फैसला विधानसभा नहीं कर सकती है, उसका फैसला मुख्यमंत्री का दफ्तर करेगा या पावर मिनिस्टर करेगा या उसके अधिकारी करेंगे, तो विधानसभा से उसका कोई मतलब, यानी हमारे समर्थन से उसका कोई मतलब नहीं है। तभी उन्होंने बोला कि 16 पे हम तो आते ही नहीं, कहीं 2 पे आते हैं, यानी सिविक कम्युनिटीज और बाकी जो बात जो लोकायुक्त वाली है वो, और जहां ये स्टेटहुड की बात है इसमें विधानसभा का काम है, समर्थन देंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि अब केजरीवाल जी को तय करना पड़ेगा कि इन मामलों पर वो कांग्रेस का समर्थन लेते हैं या नहीं, क्योंकि अभी समर्थन अनकंडीशनल नहीं हो सकता है, इसे समझना पड़ेगा। ये आउटसाइड सपोर्ट होगा कांग्रेस पार्टी का, और इसमें ये भी साफ कर दिया गया है कि जो 16 काम है जिनपे आप जीते हैं चुनाव, ये दायित्व आपका है, हमारा नहीं है,
क्योंकि ये ऐसे काम है जो विधानसभा में तय नहीं होंगे, ये तय आपको बाहर के लोगों के साथ करना पड़ेगा। लेकिन कार्तिक, यहाँ पर जनता जो है वो तो साफ समझना चाहेगी ना, क्योंकि जनता के ही मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया है, और यही बाद में जब ये बात सामने आई उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद, खुद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ने ये बात कही थी कि जनता के जो मुद्दे थे उस पर किसी भी तरह का वो धोखा जनता को नहीं खाने देंगे। जिन मुद्दों को लेकर ये पार्टी लड़ी है और उसे पूरा करेगी किसी भी हाल में। तो हम यही समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो बेसिक मुद्दे हैं उनमें किसी तरह का अड़चन तो नहीं डालेगी कांग्रेस। सही सवाल पूछा, उसमें कांग्रेस अड़चन डाल नहीं सकती है। मैं आपको वही बताना चाहूँ, जैसे बिजली की बात है, पानी की बात है, ये ऐसे काम है जिसमें पावर कंपनीज है। आपको याद होगा कम से कम 7 साल पहले बिजली के जो डिस्कॉम्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं सरकार से। अगर बिजली कम करनी है तो इस सरकार को खुद फैसला लेना होगा। तो कांग्रेस कह रही है कि वो फैसला हमारे सर पे मत पड़िए, क्योंकि वादा आपका है तो पूरा आप करेंगे। आप ये नहीं कह सकते जनता के बीच में जाके कि हमारे कारण नहीं हो रहा है। तो देखिए, थोड़ी राजनीतिक रस्साकशी तो इस मामले पे और चलेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अनकंडीशनल नहीं है, दो पे पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट है, बाकी आप करिए और वो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल कार्तिकेय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास, आपको भी ये खबर मिल ही गई होगी कि 16 मुद्दों पर बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि सहमति की जरूरत नहीं है, प्रशासनिक काम है ये, और बाकी 2 मुद्दों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो केंद्र के जिम्मे आता है, उनके अधीन आता है। अब क्या कहेंगे आप लोग? श्वेता, अभी ये प्रपोजल जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो सुबह हमारी एक पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें इसकी कॉल लेंगे और इसमें जो भी निर्णय हमें समीचीन लगेगा उसके बाद हम इसे जनता में ले जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जिस जनता जनार्दन ने हमको ये मतादेश दिया है कि हम भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट भाजपा के खिलाफ 28 सीट ला पाए और 22 में दूसरे नंबर पर रहे, उसके पास हम ले जाएं। और दूसरा, मैं अरविंदर सिंह लवली और शकील अहमद साहब का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने आज तक पे पहले भी माना, अरविंदर सिंह लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शकील साहब ने भी माना कि इनमें से 16 काम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री चाहे तो एक दिन में हो सकता है। इसका मतलब 15 साल में शीला दीक्षित जी ने ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 15 साल में ये काम नहीं करने चाहे। लेकिन आप सबकी नजरें आप लोगों की ही पार्टी पर है, आम आदमी पार्टी पर है। ऐसे में आपसे हम यही फर्स्ट रिएक्शन ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि लगभग आपकी बातें मान ली गई हैं, आप भी इस बात को मान रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है? क्या अब आप सरकार बनाने की दिशा में सोचेंगे? देखिए श्वेता, मैं 10 जनपद नहीं हूँ कि मैं आपको कह दूं कि मैं सोचूंगा। एक पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है जिसमें 9-10 लोग हैं, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव है। सुबह के गंभीर विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं कम से कम इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि लोकतंत्र में पहली बार पावर ट्रांसफर की जगह प्रिंसिपल्स पर बात हो रही है कि किन मुद्दों पर आप साथ हैं, किन पे नहीं है। मुद्दों पर नहीं है तो नहीं करेंगे, हैं तो हैं। और इसके बाद भी जनता से पूछा जाएगा, हर वार्ड में एक सभा करके जो विधायक लड़े थे, जो जीते हैं हारे हैं दोनों मिलकर वो पूछेंगे, और पूछेंगे भी कांग्रेस का ये चाल चरित्र रहा है, चंद्रशेखर जी के साथ ये किया है, चौधरी चरण सिंह के साथ किया है, इसमें ये बातें कह रहे हैं, बताइए क्या करें। अगर जनता कहेगी बनाइए तो तुरंत बनाएंगे, जनता कहेगी कि नहीं साहब आपको दोबारा मतदान हम कर देंगे तो नहीं बनाएंगे। तो कल सुबह हम निर्णय लेंगे, इस पर विचार करके बात बताएंगे जी। अब अगर बात करें तो लगभग कितना वक्त और लेंगे आप लोग विचार करने में, क्योंकि जनता को बेसब्री से इंतजार है आप लोगों के जवाब का। कल सुबह श्वेता, हमारी जैसा मैंने बताया कि कल सुबह हमारी मीटिंग है, अरविंद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है 10-11-12 बजे कभी मीटिंग का समय तय हो पाएगा जब वो ठीक से स्वस्थ होकर बैठ पाए, और उसके बाद हम इससे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अंततः मैं ये मान रहा हूँ और अरविंदर सिंह लवली का बहुत आभारी भी हूँ कि उन्होंने ये माना कि इनमें से 16 काम ऐसे हैं जो बहुत जरूरी काम थे, जिनको मुख्यमंत्री चाहे तो एक दिन में कर सकता है। वो बार बार कह रहे हैं ये प्रशासनिक काम है, इसका मतलब वो कमोवेश स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशासनिक रूप से 15 साल उनकी सरकार फेल थी और उसने एक दिन का भी समय नहीं निकाला इन 15 जरूरी कामों को करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए कुमार विश्वास।